अब देखिए ना, हमारे इतने पुराने बिजनेस ताल्लुकात रहे हैं, मेरी वजह से कभी आपको कोई शिकायत का मौका मिला हो मुझे तो याद नहीं पड़ता। भवानी शंकर की पेमेंट एक दिन भी डिले हो ऐसा तो सर कभी हुआ ही नहीं। और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ना, जैसे ही राकेश रिहा हो जाएगा उसके कुछ ही दिन बाद मैं आपका सारा पैसा विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा। हाँ तो उसमें जी जी करूँगा, जरूर जरूर करूँगा, आपके फोन का इंतजार। थैंक यू। किससे बात कर रहे थे? वो अपने किसी पुराने क्लाइंट से बात कर रहा था, उसने मुझे उम्मीद दिलाई है कि वो जरूर हमारी मदद करेगा, पुराने बिजनेस ताल्लुकात हैं हमारे। सच? अब क्या सच और क्या झूठ इरावती, अब तो लगने लगा है कि ये बातें भी मैं बस खुद को तसल्ली देने के लिए ही कर रहा हूं। अपने सारे बिजनेस एसोसिएट्स, सारे क्लाइंट्स, सारे फाइनेंसर से फोन पे बात कर चुका हूं। कहते हैं कि मार्केट के हालात कुछ ऐसे हैं कि हम इतने बड़े अमाउंट का रिस्क उठा ही नहीं सकते। लगता है कि हमारी किस्मत की तरह ये लोग भी हमसे नजरें फेर रहे हैं। और ठीक भी तो है, डूबते हुए जहाज को देखकर सब उससे दूर ही तो भागते हैं। समझ नहीं आ रहा, मौजूदा हालात में मैं राकेश को कैसे रिहा करवा पाऊंगा? क्या राकेश को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? बता तो दिया, मुझे तो कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। बाबूजी, बाबूजी प्लीज निराश मत होइए। वकील साहब ने किसी ना किसी तरह राकेश भैया को बचाने का कुछ रास्ता तो सोचा है ना। गोपाल जी भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। राकेश भैया ने अपनी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई किया है, शायद मिल जाए। और फिर सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी आप ही कहते हैं ना, इंसान असल में तब हारता है जब वो अपनी हिम्मत हार जाता है। पैसों का इंतजाम हो जाएगा बाबूजी, किसी ना किसी तरह से हो जाएगा।